मैं तो गल समझ गया, लेकिन 8 लाख रुपया 4 लाख नालों तो वध ही हुंदा है, फिर भी 4 लाख तो बचता है। हाँ जी ये तो आप कहने हैं ना, वो तो वीडियो के बोलते पे हैं, आप तो नहीं उत्थे सीगे, की पता किसी ने गल करते पे है। मैं तुहाडे नाल फोन पर कॉन्फ्रेंस ला लवां, वो तो की पता वा, जो किसी के हिंदू समाज की कोई आवाज़ चकता ना भाजी, विच जिहड़े कट्टण वाले लोग होंगे वो अपने लोग ही होंगे ने। मेरे सामने करोड़ों दुनिया उत्थे पहुंची हुई सी, तो मास्टर सलीम नूं ही पुछना सीगा प्यो जी का की हाल आ, बाकियों नूं क्यों नहीं पुछिया जी। कन्हैया मित्तल का बयान देना कि मुस्लिम कलाकारों की जगह से सनातनी कलाकार लगाए जाए, आखिरकार जो मुस्लिम कलाकार हिंदू प्रोग्राम से आते हैं गुणगान तो राम जी का ही करते हैं, प्रचार तो हिंदू धर्म का ही करते हैं, तो हम ये भी कोई दिक्कत है, गल का जवाब दो, कभी धारणा हुई कि मुस्लिम कलाकार नहीं लाने। आम लोग नहीं आप कहने हाँ मुसलमान, इन्हों मास्टर सिंह में पूछ लो तारा ना नहीं आती है, शहर कन्हैया मित्तल भी ना आती हो जो सारे इन्ने बोल रहे, चलो मैं मान लिया नहीं आती, मैं तो यह कह रहा वा जिन्हों तारा राणी आती है उन्होंने ही गवाना चाहिए वा। आप गुणगान हर चीज़ को कह दें जी, असी तो जी वो फलानी चीज़ हो गई सी अपने, तुम स्टेजा से देखा होना मजाक उड़ाते, वो एक ने कहा कहते तेरा चाचा मर गया, वो कहता तू भी मर जाना वा, ये आप स्टेजा से यह चीज़ा कह जाने। भी एक गल का जवाब दो कन्हैया मित्तल नूं, किने हक दिता किने राइट दिता वो एड्डी गल की लोसमेंट कर रहा कि भी हिंदू स्टेजा के उत्ते सिर्फ हिंदू कलाकार गाणगे। हिंदू आप मैं हूँ तुम इन्नी गल कह के हटे वा, जै कन्हैया मित्तल आ जिन्हू तारा राणी आँदी आ वो स्टेजा पर गावे, वो कन्हैया मित्तल जे स्टेजा के उपर तारा राणी गाँव वा असी समर्थन करते हैं, जे मास्टर सिंह गाँव तो मास्टर का करते हैं, पर सब तो बड़ी गल असी तो दोनों के खिलाफ देना वा, असी जिन्हें भी कलाकार आ इन्हों के खिलाफ देनी आ, 50,000 रुपया इन्हों का रेट करो जेड़े हर कोई कलाकार बुला सके, ठीक है ना। जो तुम कह कन्हैया मित्तल की गल करते हो ना, कन्हैया मित्तल ने भी पहल नहीं की, पहल इन्होंने की है जो मंदिर का नाम लिया वा। हाँ चलो जे कन्हैया मित्तल ने गलत कहा हों, हाँ मंदिरों के कहते असी सब तो पहला पहल करनी सी, असी उत्ते परचा दर्ज कराना सी भाजी साड़ी, असी तो सिर्फ इन्होंने सारे कलाकारों वास्ते देवे, कन्हैया मित्तल वास्ते नहीं देवे, अच्छे सारे कलाकारों रेट एको जहा कर करवे जे हर हिंदू धर्म के नाले, जोड़ा तारा राणी गाँव वा वो स्टेजा पर गावे। द चिराग न्यूज़ देख रहे हो तुसीं, तो मैं तुहाडा अपना गुरविंदर सैम। देश विच नहीं मुद्दिया की थोड़, हाल ही दे विच नाम कमा चुके संगीत की दुनिया के कन्हैया मित्तल का कहना यह है कि सनातनी मंचों के उत्ते हिंदू तो इलावा नहीं गाएगा भजन कोई होर। इस मुद्दे से साडे नाल गलबात करन लई शिवसेना इंसाफ तो चेयरमैन नीरज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। नीरज जी सब तो पहला यह क्वेश्चन आ कि कन्हैया मित्तल हिंदू है कि नहीं है? पहला तो वीरे मैं सारा नूं जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव, सारे वालों मैं पहले तो यह कहना पत्रकारों के थ्रू, सारे हिंदू ने अपना कोई किसी का भात पेव नहीं है, किसी ने अपनी जात का नहीं है, सब तो बड़ी गल है कन्हैया मित्तल जी जिहड़े स्टेजा पर बोल रहे हैं कोई गलत नहीं बोल रहे, वो तो यह कह रहे जिहड़े मुसलमान कलाकार ने। हुण तुसीं रेट की गल करते हो, कल एक वीडियो चलती पई है तुसीं फोन पर देखिया होना, ठीक है 1.5 लाख रुपया जी साडे को मास्टर सलीम लैंदा, अज भी तुसीं ताज़ी इंटरव्यू देखी होनी है उहदे विच दस्सिया गया 3.5 लाख रुपया, ठीक है। उस तो बाद असी एक गल होर कीती उहदे विच देखी आ, एक बंद असी किसी बंदे ने इंटरव्यू की 4.5 लाख रुपया मंग रहा, असी तो यह कहने जिहड़े भी हिंदुओं के प्रोग्राम करने आ जे मास्टर सलीम होवे जां कन्हैया मित्तल होवे इन्हां नूं एक रेट रखना चाहिए, जां तां फिर पता लग जू किहड़ा प्रोग्राम किहड़ा वध करदा, ठीक है ना, 50,000 रुपया प्रोग्राम करन नाले पता लग हिंदुआं ना किहड़ा चल के राजी आ, ठीक है ना। मैं तुहाडी गल समझ गया, लेकिन 8 लाख रुपया 4 लाख नालों तो वध ही हुंदा है, फिर भी 4 लाख तो बचता है भाजी। ये तो आप कहने ना, वो तो वीडियो के बोलते पे हैं, आप तो नहीं उत्थे सीगे, की पता किसी ने गल करते पे है। मैं तुहाडे नाल फोन पर कॉन्फ्रेंस ला लवां, वो तो की पता वा, जो किसी के हिंदू समाज की कोई आवाज़ चकता ना भाजी, विच जिहड़े कट्टण वाले लोग होंगे वो अपने लोग ही होंगे ने, कोई बाहरों नहीं आता है कट्टण वास्ते, हाँ जी कट्टण वास्ते कोई दूसरा बंदा आना, अपने लोग ही होंगे ने जिहड़े कट्टदे ने हिंदुओं, ठीक है। तुम कहने उन्हें 4 लाख की आप हर चीज़ मानते जी, मास्टर सलीम भी जी भेटा गा रहा वा, ठीक है चलो हिंदुओं के ये है हिंदुओं वास्ते ही गा रहे हैं ना, असी यह कहने उन्होंने मास्टर सलीम को पहला तो सॉरी फील करनी चाहिए, जी चिंतपुर्नी जाके माता के मंदिर के उन्हें कहा वा जे पुजारी ने मेरी ट्रस्टी ने उत्थे दे गल हुई सी, वह कहें यहोजी साढ़े मंदिरों कभी गल नहीं हुई, जो कहता सी हाँ भी सानू चिंतपुर्नी माता दे मैं मत्था टेकदा पिया, मैं पुजारी ने पूछया बिल्कुल अपने प्यो जी का की हाल है, पिता जी का की हाल है, ठीक है। यहोजे मंदिरों के कभी कुछ नहीं होंगे, मास्टर सलीम को कोई नवा कलाकार नहीं उत्थे गया चिंतपुर्नी, लखां लोग कलाकार जाते हैं मास्टर सलीम वर्गे, ठीक है किसी की ठेस नहीं पहुँचाई दी होंगी, एक मिनट लखां दुनिया तुम हूँ सावन का महीना गया वा, ठीक है मेरे सामने करोड़ों दुनिया उत्थे पहुंची हुई सी,
तो मास्टर सलीम भी पूछना सीगा प्यो जी का की हाल आ, बाकियों क्यों नहीं पूछा जी। लेकिन दूजे पासे एक हिंदू मंच तो कन्हैया मित्तल का बयान देना कि मुस्लिम कलाकार की जगह से सनातनी कलाकार लगाए जाने, आखिरकार जो मुस्लिम कलाकार जो हिंदू प्रोग्राम से आते हैं गुणगान तो राम जी का ही करते हैं, प्रचार तो हिंदू धर्म का ही करते हैं, तो हम ये भी कोई दिक्कत है गल का जवाब दो, कभी धारणा हुई कि मुस्लिम कलाकार नहीं लाने। भाजी मैं तो यह कहना कोई भी कलाकार आ जिन्हों तारा राणी आँदी हो कलाकार बुक करना चाहिए, नहीं तो किसी नहीं करना चाहिए, जिन्हों तारा राणी आऊगी तो वह कलाकार स्टेजा उत्ते होना चाहिए वा कि आम लोग नहीं। आप कहने हाँ मुसलमान इन्हों मास्टर सिंह में पूछ लो तारा राणी आँदी है शहर कन्हैया मित्तल भी ना आँदी हो जो वह सारे इन्ने बोल रहे चलो मैं मान लिया नहीं आँदी, मैं तो यह कह रहा वा जिन्हों तारा राणी आँदी आनू ही गवाना चाहिए वा, जे अपने हिंदुओं का इज्जत अपना कराना वा प्रोग्राम कराना जगराते कराने असं तो उन्होंने करावे अपने घर च भी असं जगराता करावे ना असं उन्होंने करावे जोड़ा ये अपना तारा राणी बोलता होवे ते गांदा होवे उन्हूं कराउंदा फायदा ये नहीं हैगा आप 8 लाख रुपया भी देना तारा राणी इन्हां नूं आंदी नहीं। बिल्कुल ठीक है जी 4 लाख रुपया तारा राणी दी तारा राणी कथा तक रुकते ही नहीं गए जी, 2 घंटे का 8 लाख रुपया आउंदा है एक मिनट किसी गरीब का बजट ही उन्ना कु होगा जगरातियां का, ठीक है साढ़ा 2 लाख रुपए का बजट असं कितों दे देंगे जी 8 लाख रुपया। मैं तो यह कहना सब का एक ही रेट करो फ्लैट आपे पता लग जू कि हिंदुओं के वास्ते गाँदा तो कि दूसरे धर्म के वास्ते गाँदा वा, ठीक है जो तुम एक फ्लाइट रेट करता ना तुम आपे पता लग जाना स्टेजा पर कड़ा बोलता हिंदुओं के धर्म लिए। बिल्कुल चाहे मास्टर सलीम हो जाए अपना जी खान हो कोई भी हो ठीक है साढ़े लिए सारे एको जे ने, पर यह किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। असं मैं एक चीज़ हो जानता शिवसेना इंसाफ वालों मैं ट्रस्टी न स्पैशल कंप्लेट दे के आनी चिंतपुर्नी मंदिर, ठीक है यहोजे कलाकारों का मत्था भी नहीं टिकाना चाहिए जेडे कहें मतलब साढ़े ना मजाक कर जाते हैं ओ एक मिनट लखा दुनिया जाती गोविंदा जाता गोविंदे नूं नहीं कहता जी, बॉम्बे बॉम्बे भी शिरडी हैगा ना शिरडी का नहीं कहता शिरडी वाले बाबा जी का की हाल चाल ने, ठीक है ये मतलब एक दूजे को ठेस पहुँचाते ना एक चीज स्टेजा के उपर मजाक डा के हिंदुओं का तो उस तो बाद बाबा वाला खट लेंदे ने लोग। यह उन्हों का बयान जी विवादित टिप्पणी की है मास्टर सलीम वालों एलीगेशन से कन्हैया मित्तल के बयान तो बाद है कि पता उत्थे जिहड़े सेवादार मौजूद हो कन्हैया मित्तल के फैन हो भाजी इदा नहीं हों फैन आप मानते हो कन्हैया मित्तल के फैन हो फिर उन्होंने यही कहना जी बापू जी का की हाल चाल है तुम मानते हो ना चिंतपुर्नी जे कन्हैया मित्तल के फैन होगे फिर नहीं कहोगे मास्टर सलीम के फैन हो भाजी कोई दुनिया यहोजा कोई नौखा कलाकार नहीं है वह जिन्हें एडा बड़ा हाँ भी बड़े 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 कलाकार बैठे आ, ठीक है सिद्धू मूसे वर्गे कलाकार भी बैठे सके, ठीक है सब तो बड़ी गल इस चीज़ के तो है नहीं कह तुम मानते हो जोत के मूहरे कोई कह दूगा इन्नी गल पंडित जिहड़ा पुजारी हुंदा वा उस चीज़ उत्थे ही रह रहा उसी मंदिर के उपर उन्हूं तनखाह मिल रही है वो इन्नी गल कह दूगा तुम आप सियाने हो। बिल्कुल ठीक है अज तक कहने तो यह परचा दर्ज होना चाहिए यदि असी मंग करते हैं असी एक पहला चिंतपुर्नी जाना वो कंप्लेट दे के आवेंगे उस तो बाद कमिश्नर साहब इतने कंप्लेट देवे जी योजे परचे की आ ये तो परचा होना चाहिए टिप्पणियां जड़ियाँ लोग करते हैं ना स्टेजा पर भी तुम देखो असं यह कहने टिप्पणियां करो ही ना तुम जगराता करना धार्मिक महामारी का जागरण कर आए हो तो जागरण करो टिप्पणियां ना करो एक दूजे को चलो कन्हैया मित्तल ने यह भी किया मुसलमान कलाकार आ ठीक है जी मुसलमान कलाकार साड़ी चलो महामारी का जागरण कर रहा पर अपने रेट भी देखो आप कहने 50,000 रुपया इन्हों कर दो देखते हैं सवेर में स्टेज के उपर कि बोलता जी खान सारे वास्ते जीरो जरूरी नहीं जी खान वास्ते ठीक है जी इन्हों वास्ते मास्टर सलीम वास्ते कन्हैया मित्तल सारे वास्ते पता लग जू कि हिंदू धर्म की बोलता वा असी तो आवाज़ हिंदू धर्म के सारे चकते पे हाँ असं भी कहने कन्हैया मित्तल सही है पर सारे रेट एको जहा करो ना किसी का बजट ही है नहीं 8 लाख रुपए का कितों दे दूगा वो। बिल्कुल ठीक है 4 लाख रुपए का किसी का बजट है नहीं कितों दे दूगा मास्टर सलीम उपरों 4 लाख रुपया आप पैसे लैके भी टिप्पणियां करते पे हाँ जी मैंने उत्थे भी जाके पूछा जी क्यों ये चीज़ा टिप्पणियां होनी ही नहीं चाहिए जो आप खाने पंजाब का रहने हिंदुस्तान चा ठीक है आप गुणगान हर चीज़ को कह दें जी असी तो जी वो फलानी चीज़ हो गई सी अपने स्टेजा से देखा होना मजाक उड़ाते एक ने कहा कहते तेरा चाचा मर गया वह कहता तू भी मर जाना वा ये आप स्टेजा से यह चीज़ा कह जाने हैं। बिल्कुल ये मतलब ही नहीं बनता उत्थे आप हासा मजाक कर जाने ना महामारी की एक जागरण चलता पाया उत्तों उपरों की आप टांचा चलो मास्टर सलीम के खिलाफ ट्रस्टी को मिलोंगे तुम परचा वे कर मंग भी करोगे कि उत्तर परचा दर्ज हो लेकिन इसी तरह कोई कोई दरखास्त कोई कंप्लेट तुहाडे वल्लों हुण कन्हैया मित्तल के खिलाफ भी दी जाऊगी वो मैं इसलिए कह रहा तुहानूं क्योंकि आखिरकार हिंदुत्व के मंच तो सनातनी धर्म को भटकाण की साजिश रची गई है एक तरह की और बयान तुहाडे सामने सही सी नीरज जी के गलत आ वो बयान भी एक गल का जवाब दो कन्हैया मित्तल किने हक दिता किने राइट दिता वो एड्डी गल की लोसमेंट कर रहा कि भी
हिंदू स्टेजा के उत्ते सिर्फ हिंदू कलाकार गाएंगे। ठीक है भाजी, एक चीज़ आ हिंदू आप मैं हूँ तुम इन्नी गल कह के हटिया वा, जे कन्हैया मित्तल आ जिन्हू तारा राणी आँदी आ वह स्टेजा पर गावे, वह कन्हैया मित्तल जे स्टेजा के उपर तारा राणी गाँव वा असी समर्थन करते हैं, जे मास्टर सिंह गाँव तो मास्टर का करते हैं, पर सब तो बड़ी गल असी तो दोनों के खिलाफ़ देना वा, असी जिन्हें भी कलाकार आ इन्हों के खिलाफ़ देनी आ 50,000 रुपया इन्हों का रेट करो जेड़े हर कोई कलाकार बुला सके। ठीक है, असी कंप्लेट देवे यदी DGP साहब नूं पावांगे। माता चिंतामणी दे चाले चलदे पए सीगे, हुण चलिया ते तुसीं देखिया टूट लंगर वरतदा वा, दूरों पूरी दुनिया भर च लोकी आंदे ने जिन्हां दी मनोकामना पूरियां हुंदियां लंगर लगांदे ने, हुण जे इही गल नूं उधर मैं देखा कदी उह लंगर वरतान लगे पुछदे ने पहलां वी भरा पहलां आधार कार्ड दिखा, तूं हिंदू आ कि तूं मुस्लिम आ कि तूं क्रिश्चन आ कि सिख आ। मैं उही गल कर रहा जदों सनातन धर्म ने एक रहना सिखाया, एक छत थले रहना सिखाया, सनातन धर्म तों ही सारे धर्म निकले ने, तो फिर आप गल खै खड़ के एक मंच तो करिए शोभा नहीं दिंदी आपां। भाजी शोभा तो किसी चीज़ को नहीं दिंदी, जो कोई किसी की आवाज़ चकदा वा उते तो पहला वैरी आ जाते हैं, मैं तुहानूं साफ जी गल दसा, जो कोई हिंदुआं की आवाज़ चकूगा वो भी वैरी आप च आने आ, कोई बाहरों नहीं आने। जे मैं अज बोलता पे ना तुहाडे पत्र अपना मीडिया थ्रू अही मेरे भी पिया शाम नूं देखियो उते व्यू दे विच दसदा लोकां ने, यह नहीं कहना जो जिहड़ी गल सही आ चिंतपुर्णी मंदिर आपां जाने करोड़ां दुनिया की आस्था जुड़ी हुई आ उहदे नाल आपां इह चीज़ां कहिंदे आपां चंगे लगदे आ। बिल्कुल, तुसी इस चीज़ नूं सवाल जवाब किया स्टेजा के उपर ते उहदा कहना चंगा सीगा, मैनू यह चीज़ पुछी आ क्यों पुछी आ, किते तू बहुत वड्डा कलाकार आ, तू भी उही महामाई दे जा जिहड़ियां भेटा गाना उत्तों ही अपने बच्चे पालदा वा। ठीक है, तेरा होर कोई कारोबार नहीं हैगा, तू उत्थे भी आके टिप्पणियां मारदा पिया, यह चीज़ा चंगिया नहीं हैगियां। पिछले समय में जी खान तो एक गलती हुई लुधियाना शहर के गणपति विसर्जन के मंच से जनकपुरी के उस गलती के उत्ते FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन आखिरकार फिर किया जाए धर्म के ठेकेदार नहीं कहूँगा, लेकिन चलो जो भी है उन्होंने आप माफ़ी मंगवा के छड़ता सी, फिर कार्रवाई वाल क्यों नहीं तुरते आप माफ़ी मंगवाने गल दफा दफा कर देने। भाजी जो हिंदू धर्म है ना असं ये कहने जोड़ा साढ़े को माफ़ी मंदिर के मंगया साढ़े को ना मंगे मंदिर के मंगया सब तो मनिया होया मंदिर आ। ठीक है, शंगास वाले भाजी उत्थों माफ़ी मांग ली सब तो आप चीज़ मानते हैं, उन्हें हर चीज़ तो माफ़ी मांग ली, जे चिंतपुर्णी जाके माफ़ी मांग लेंदा सानूं तां भी खुशी होनी सी, मतलब कितने भी धार्मिक मंदिर तो मंगी आ इस चीज़ को आप कह नहीं सकते है, जे उन्हें उहदे ते परचा होया तो परचा भी होया भज्जा भी रहा वा। ठीक है, जे उन्हें माफ़ी मांग के जे आप किसी भी कहने हूँ मास्टर सिंह माफ़ी मांग लेंदा तो असं उन्होंने गुनहगार थोड़ी कहने, माफ़ी तो मंगे ना, माफ़ी मंगना भी जिथे चिंतपुर्णी जा मंदिर जाके उत्थे जाके माफ़ी मंगे जिथे उन्हें ये गल कही आ उसी दरबार जाके माफ़ी मंगे। हाँ, उस दरबार मंगे तुसी शंगास वाले कहने उन्हें फिर भी आके मंदिर च मंगी है, चलो जी खान ने माफ़ी मंगी, चलो उन्होंने हिंदू समाज ने माफ़ भी किया, हिंदू समाज भाजी हर किसी को इस चीज़ को परचा दर्ज कराने नहीं होंगे, हर किसी को यह माफ़ करना भी अपना फर्ज आ, हिंदू समाज ने माफ़ करना आप कौन हूँ माफ़ करने वाले, माफ़ करने वाला उपर वाला। बिल्कुल ठीक है जी, आप एक जरिया वा किसी भी चीज़ का, हूँ असं भी कहने मास्टर सलीम को तेरे ते जिहड़ी कारवाई तुसीं मास्टर सलीम तो माँ के दरबार में माफ़ी की मांग करते पे हो, जिस तरह तुसीं कह रहे हो कि उन्हें एलीगेशन वापस लैके सिर झुका के माफ़ी मंगनी चाहिए है, इसी तरह उच्ची आवाज़ के कितने आह गल कहोगे कि कन्हैया मित्तल को भी हरजन शरीफ जाके या दरगाह से जाके माफ़ी मंगनी चाहिए, आखिरकार वो भी किसी धर्म के खिलाफ बोले है। भाजी उन्हें तो बोलिया जो पहला वो बोलिया वा मास्टर सलीम, उन्हें तो क्या मुसलमान जोड़े धर्म के कलाकार ने ना मैं अग्गों गावा ना मैं पिछों गावा। ठीक है, जो स्टेज के उपर चढ़ूंगा ना मैं पिछे खड़ूंगा उन्होंने ना मैं अगे खड़ूंगा, और यदा मतलब यह आने तो नहीं बोलिया पहला हिंदू धर्म उन्हें ठेस पहुँचाई, पहले इन्होंने पहुँचाई ना जो इन्होंने चिंतपुर्णी माता का किया। ठीक है, जब मैं इन्हें लख जब इन्हों का प्यार हो जी चीज़ उन्होंने वधिया लगी उन्हें कहता स्टेज पर मैनू वधिया लगी मैं तुम्हें दसता उन्होंने माफ़ी मंगना उत्थे चिंतपुर्णी मंदिर जाके मंगे नहीं मंगता असं उत्थे दे ट्रस्टी नूं जाके उत्थे कंप्लेट देवांगे इहदे ते परचा दर्ज होवे जिहड़ियां इन्नी दुनिया की आस्था उत्थे जुड़ी हुई आ इहदे ते तां परचा दर्ज होना चाहिए वा। ठीक है ना, जे तुसीं कन्हैया मित्तल की गल करते हो ना कन्हैया मित्तल ने भी पहल नहीं की, पहल इन्होंने की आ जो मंदिर का नाम लिया वा। हाँ चलो जे कन्हैया मित्तल ने गलत किया हुंदा हाँ मंदिरां दे विच कहिंदे असीं सब तो पहला पहल करनी सी असीं उत्थे परचा दर्ज कराना सी, एक बंदे की गलती है उसकी सज़ा आपां सारी कम्यूनिटी नूं देवांगे। भाजी असी कमेटी को किसी दे रहे असं तो सिर्फ कलाकारों को कह रहे हैं। ठीक है, अस तो यह भी कह रहे हैं कलाकार गाण 50,000 रुपया लैन हर कलाकार गावे, असं किसी ये तो नहीं कह रहे हैं, जो एक माफ़ी भी मंगना भाजी जब अपने मुँह के कोई शब्द निकलता वा, चलो मेरे भी कोई कैमरे के थ्रू कोई शब्द निकल जाता वा, माफ़ी मंगना मेरा फर्ज आ, ये जो उन्हें कहा वा वह फर्ज बनता उत्थे जाके माफ़ी मंगे, क्यों नहीं मंगी फिर माफ़ी अजे ताई यदा मतलब है वह हिंदुओं को टारगेट करता पाया वा। नीरज जी लोगों का तो यह भी कहना कन्हैया मित्तल जी संगीतकार नालों एक हिंदू नालों सनातनी नालों कितना कितने BJP के स्टार प्रचारक ने। भाजी इस चीज़ को आप नहीं कह सकते जब थी कोई प्रूफ नहीं होंगे, लोग कह रहे ने भाजी लोग तो हूँ तुम आ जो मुद्दा वा कन्हैया मित्तल ने चुकया लोग तो उन्होंने गलत भी कह रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है ना, तुम इस चीज़ नहीं कह सकते बीजेपी का जत्था ही साबित नहीं होंगे तत्था ही आप किसी को कह नहीं सकते। चलो हूँ तुम आसी शिवसेना का ठीक है, तुम सू भी कह सकते हो बीजेपी के ने कह सकते हो ना भाजी, हूँ ताकि असी जवानी फल लैनी, तुम पत्रकार हो तुम तो सवाल जवाब करने करने हैं साढ़े न, पर सब तो बड़ी गल है जी चीज़ हैगी असी मन सकते हैं। कन्हैया मित्तल जी हुण आखिरी तुहानूं सवाल यह करदा, जे तुहानूं की लगता कि हुण तुसीं अपने वल्लों ट्रस्टी नूं मिलके एक बार मंग पत्र सौंप आओगे, हुण कन्हैया मित्तल के खिलाफ तुहाडे वल्लों की दित्ती जाऊगी? भाजी साडी असीं तां सिर्फ इन्हां सारे कलाकारां वास्ते दवांगे, कन्हैया मित्तल वास्ते नहीं दवांगे, असीं तां सारे कलाकारां नूं रेट इक्को जिहा करन नूं कहांगे जिहड़े हर हिंदू धर्म दे नाले जिहड़ा तारा राणी गाउंदा वा उह स्टेजां ते गावे, बाकी कलाकारां नूं बाइकाट होना चाहीदा वा हिंदू धर्म दे। जे उह बोलदा पिया सनातियां वास्ते ना, जे कन्हैया मित्तल बोलता पाया वा कोई माड़ी गल नहीं हैगी, हिंदुओं की आवाज़ ही चक रहा हो, इतने दीवान वाले तो घर घर बैठे ने, तुसी आवाज़ चक्को नाल ही ताडे बंदे बैठे होने, उन्होंने वीडियो पता नहीं है, यदा बंदा ही नहीं सही हैगा जी, इस चीज़ हूँ कोई तो हिंदुओं की आवाज़ चकता पे ना, जो हिंदुओं की आवाज़ चकता भाजी असं नाल हिंदुओं की आवाज़ चकने 8 लाख रुपया लैन की जरूरत की लड़ है, जवाब दो आखिरकार कितने जे पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, माँ माई का जागरण करवाया कन्हैया मित्तल ने मंच तो कहा कि मैं फ्री जाके गाऊंगा उत्थे, जे आवाज़ ही चक रहा उसके लिए 8 लाख रुपया 8 लाख रुपया आवाज़ चकन का लै रहा नहीं, 8 लाख रुपया आवाज़ चकन का लै रहा, या वो जो गनमैन या सिक्योरिटियां मिली हुई कन्हैया मित्तल जी वास्ते नहीं लै रहे भाजी, तुम मेरी गल नहीं समझते, मैं सारे कलाकारों को कह रहा 50,000 रुपया वह किया जाए कन्हैया मित्तल वास्ते नहीं, पर जो सिर्फ वो हिंदुओं की आवाज़ चक रहा वो असं नाल हाँ, वो जे पैसों की गल आते असं कंप्लेट देवे ठीक है, DCP साहब को देवे कंप्लेट वे खिलाफ, जे जी चीज़ की उत्ते बनती कार्रवाई, जे सारे का रेट इक्ो जहा होना चाहिए 50,000 रुपया, आप खुद वड्डा होना कोई माड़ी गल नहीं है, आखिरकार हर इंसान अगे वधन दा हैगा वा राइट, तो वड्डा होना भी चाहिए, लेकिन किसी नूं दब के वड्डा होना यह तो माड़ी गल है ना भाजी। हुण तुसीं शिवसेना की गल असी जे किसी के खिलाफ बोलते हैं उन्हें कहना जी ये तो ना अपने आप में थोड़ा वड्डा कर रहे हैं, इन्होंने मुड़ के ठगियां मारनियां ठीक है, इस चीज़ में नहीं हुंदा, जे कोई हिंदुओं की आवाज़ चकता उन्हें ठगियां मारनियां वा की पता उत्थे जाके मशीन ते जाके काम करता होवे, जरूरी नहीं हैगा हिंदू हर कि जिहड़ा आवाज़ चकन वाला ठगियां मारदा होगा, इस चीज़ में जिहड़ा कोई आवाज़ चकदा वा, मैं तो कहना कन्हैया मित्तल आ जाए ठीक है, वो जे मंगता आप कहने 50,000 रुपया सबनों करना चाहिए कोई भी आ, जे मास्टर सलीम उत्थे जाके माफ़ी मंगता वा तो स्टेजा ते गाए गावे, नहीं तो असं विरोध करा। हूँ आखिरी दे शिवसेना इंसाफ वालों की पहल चुकी जाऊगी या की कदम होगा तुहाडा अगला? भाजी पहला तो असं चिंतपुर्नी तुहानूं मैं दस के हटिया वा, असं ट्रस्टी नूं उत्थे दे के आवांगे कंप्लीट, तो उत्थे दे जिहड़े DC ने उन्हां नूं दे के आवांगे, फिर अपने इत्थे पंजाब च जावांगे, साडे जे एक कलाकार जिहड़े साडे ठेस पहुंचाऊगे हिंदुआं नूं, असी अपने स्टेजा से असी गान नहीं देने, असी उत्थे जाके विरोध करांगे कोई भी होवे, असी ये नहीं कहिंदे कोई भी कलाकार जिहड़ा साडी ठेस पहुंचाऊगा हिंदुआं नूं असी जाके उत्थे विरोध करांगे, कोई भी होवे सानूं कोई नहीं हैगा, जां जिहड़ा तारा राणी गाउंदा वा ते उही भेटा गावे, सब तो मंग मैं ही करदा हिंदुआं तो। ये सके साढ़े नाल शिवसेना इंसाफ तो चेयरमैन नीरज चोपड़ा जी, असी ना कन्हैया मित्तल नूं सही कहांगे ते ना ही मास्टर सलीम नूं सही कहांगे, इन्नी गल असी जरूर कहांगे कि किसी भी शख्स नूं दूसरे धर्म ते उंगली चक्कण दा राइट किसी ने नहीं दिता। इस तरह की होर अपडेट्स देखने जुड़े रहो द चिराग न्यूज़ ना कैमरा परसन, मैं गुरविंदर साहब।